और लखनऊ से खबर लेते हैं, जहां पर मन कामेश्वर मंदिर में बाहरी प्रसाद बैन हो गया है। घर का प्रसाद ड्राई फ्रूट का लगा सकेंगे भोग, घर का प्रसाद का भोग लगा सकेंगे श्रद्धालु। तिरुपति प्रसाद विवाद के बाद ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर लखनऊ के मन कामेश्वर मंदिर से, जहां पर बाहरी प्रसाद पर बैन है। घर का प्रसाद ड्राई फ्रूट्स का लगा सकेंगे भोग, घर का प्रसाद का भोग लगा सकेंगे श्रद्धालु। क्योंकि तिरुपति में जिस तरह से बात सामने आई कि जो वहां पर प्रसादम है उसमें चर्बी मिली है, और इसके बाद ही ये फैसला लिया गया है कि जो लोग अपने घर से प्रसाद बनाकर लेकर आएंगे वही भगवान को भोग लगेगा। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बिना कुमारी शैलजा का नाम लिए कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिया है। मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने पूरे दिनों में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री और संगठन के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूरत याद आती है, लेकिन ये पार्टियां अच्छे दिनों में इनको ज्यादातर दरकिनार कर देती हैं, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मायावती ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए उसे आरक्षण विरोधी करार दिया और लोगों से आरक्षण विरोधी पार्टियों से सावधान रहने की अपील की। मायावती ने कहा कि राहुल ने तो विदेश में जाकर आरक्षण खत्म करने का ऐलान किया। तो ये सारी बातें मायावती ने आज कही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। सीएम योगी आज मिर्जापुर के दौरे पर रहने वाले हैं। दोपहर करीब 12 बजे सीएम योगी मिर्जापुर पहुंचेंगे, जहां पर करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। गोपालपुर ब्लॉक पहाड़ी पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी लोन वितरण और रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे, और इसके बाद जनसभा कार्यक्रम में ही सीएम योगी युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेंगे, फिर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे के बाद सीएम योगी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन भी करने वाले। Thank you.